मामले में राहुल गांधी से ईडी द्वारा की जा रही लगातार गहन पूछताछ व कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से कांग्रेस का रोष बढ़ता जा रहा है। आज चौथे दिन भी राहुल को तलब किया गया। सभी कांग्रेस नेताओं ने आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस के जुल्म पर एतराज जताया। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता आज देश भर में राजभवनों का घेराव कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, चंडीगढ़, हैदराबाद, जम्मू से कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां कांग्रेस नेताओं ने जमकर नारेबाजी की है। ये हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, ये दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, चंडीगढ़, हैदराबाद और जम्मू, ये छह तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जगह जगह पर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो विरोध जता रहे हैं। ईडी के खिलाफ कांग्रेस का ये गुस्सा, हाँ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कांग्रेसियों की पुलिस से भी नोकझोंक हुई है। आपको बता दें कि ईडी लगातार पूछताछ कर रही है राहुल गांधी से, जिसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में रोष देखा जा रहा है। राहुल से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां पर विरोध करते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, छह जगहों की तस्वीरें, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, चंडीगढ़, हैदराबाद और जम्मू की, जहां पर आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि पूछताछ जो है वो की जा रही है। लगातार तीन दिनों से आपको बता दें कि राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है, जिसका विरोध कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा भी तीन दिनों से लगातार किया जा रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का ये साफ कहना है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, चंडीगढ़, हैदराबाद, जम्मू की ये तस्वीरें। अलग अलग जगहों की तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है। राजभवन का घेराव करने की बात आज कही गई थी। राहुल से पूछताछ को लेकर भड़के हुए हैं कांग्रेसी और मुख्यालय में पुलिस घुसने पर भड़के कांग्रेस। आज पूरे देश भर में राजभवन का घेराव करने का आह्वान किया गया था और उसी की जगह जगह की तस्वीरें सामने आ रही हैं।